मालदीव और भारत के बीच के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। पहले भारतीय सैनिकों को लेकर मौजूदा सरकार ने विवाद किया, फिर वहां के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को मुद्दा बनाया और अब एक बार फिर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने मालदीव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में एक भारतीय नाव को पकड़ा है। इस खबर के बाहर आते ही कई तरह की बातें एक बार फिर उठने लगी हैं। मालदीव की मीडिया अदादू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस नाव को 2 मार्च को हा आलिफ केला द्वीप के पूर्व में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 13 मील अंदर पकड़ा गया था। फिलहाल भारत की तरफ से इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इस तरह की घटना भी देखने को नहीं मिलती। जिस मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव को मालदीव ने पकड़ा है, उसके चलते भारत और मालदीव के बीच चल रहा विवाद और बढ़ सकता है। वहीं मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि नाव को 2 मार्च की रात को पकड़ा गया था और इसकी पुष्टि भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका के रूप में की गई। अब भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, उसका सबको इंतजार है। मगर इस घटना के बाद से ही मालदीव और भारत में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही, क्योंकि मालदीव की मौजूदा सरकार को चीन समर्थक माना जाता है। चीन के इशारों पर मौजूदा सरकार चलती है। यहाँ तक कि मौजू ने मालदीव में चुनाव ही भारत विरोधी माहौल खड़ा करके जीता। जिस दिन से मालदीव में मौजू राष्ट्रपति बने, भारत से मालदीव के रिश्ते बिगड़ते ही दिख रहे। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही भारत से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग शुरू कर दी थी। इसके अलावा मौजू ने चीनी जासूसी जहाजों को अपने देश में घुसने की मंजूरी तक दी। यहाँ तक कि कुछ खबरें तो ये भी सामने आ रही कि मौजू ने मालदीव में चीन के साथ समुद्री निगरानी रडार स्थापित करने का गुप्त समझौता किया है, और अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है और चीनी रडार को मालदीव में स्थापित किया जाता है, तो इससे भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खैर, अगर अभी का मुद्दा देखा जाए, जहां मालदीव भारत से पंगा लेता एक बार फिर दिख रहा है, और हाल ही में जिस तरह से मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव को पकड़ा, उस पर भारत क्या प्रतिक्रिया देता है, उस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।